नालंदा की गाड़ी है यहाँ पे, वो तभी पी लिया उल्टी फली कर दिया उसी के कोई ने। मैंने भी जाना है मतलब मुखानी को निकलना है। पब्लिक देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है अंदर को भी, मतलब यहाँ से मेडिसिन वगैरह ले ली, बाकी मैं निकलता हूँ यहाँ से आप सीधे बेस के लिए। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज का सीन ये है, आज मैं जा रहा हूँ हल्द्वानी, वहाँ की साथ में अम्मा भी जा रही है। देखिए तो आज दरअसल बूबू को वहाँ दिखाने के लिए जा रहे हैं हल्द्वानी पे, और बाकी मैंने भी यार अपनी दवाइयाँ वगैरह लेनी थी, तो मेरी भी जो दवाइयाँ चल रही थी वो ख़त्म हो गई हैं, तो मैं भी अपनी दवाइयाँ लेने के लिए जा रहा हूँ। बाकी अम्मा भी आ रही है और पापा भी आ रहे हैं और बुराशी से कमल चाचा भी आ रहे, तो ये बूबू को दिखाने के लिए जा रहे हैं हल्द्वानी पे। तो नीचे चले गए हैं, मतलब बूबू को लेकर के चले गए हैं, बाकी अम्मा में चल रहे हैं और पापा आ रहे हैं पीछे से, तो चलिए फिर चलते हैं। सो गाइस अभी हम चौरिया में से निकल गए हैं यहाँ पर से, और देखिए नालंदा की गाड़ी है यहाँ पे, तो पापा भी आ गए हैं, चाचा हो गए कमल चाचा एंड अम्मा हो गई बूबू, तो अभी अब हम लोग निकल गए हैं यहाँ से हल्द्वानी के लिए। तो गाइज अभी फिलहाल हम यहाँ पे रुके हुए हैं, और तो थोड़ा सा भूख गया, उल्टी उल्टी वगैरह जैसी भी हो रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा चाय वाय वगैरह भी पी रहे हैं, एंड बाकी गाड़ी हमारी फिलहाल यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक से आगे हो तभी पी लिया, कोई नहीं तभी पी लिया। तू चाह तू ये भी नहीं, तू तभी पी लिया, उल्टी फली कर दिया उसी के कोई नहीं। गई जब भी अपनी यहाँ पे चाय वाय वगैरह भी आ गई है, एंड साथ में पकौड़ी हो गई, तो चाय वगैरह पीते फिर उसके बाद निकलते हैं हल्द्वानी को। तो ये आ गई अपनी भी चाय, जो भी फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं हल्द्वानी बेस हॉस्पिटल में, और आते आते बड़ी दिक्कत आई यार बूबू को, कई जगह पे मतलब उल्टी उल्टी वगैरह हो गई, वोमिटिंग वगैरह हो गई, काफ़ी मतलब दिक्कत आई, तो फाइनली फिलहाल हम पहुँच गए हैं हल्द्वानी पे यहाँ पे। तो अभी पर्चे लाख नहीं पे था, तो उसने पर्चे वर्ची वगैरह लगा दिए एंड यहाँ पर बैठ रखे हैं। हाँ सही चुप, अब आराम से ठीक, वो मैं फिर झूठ बताएं। तो अभी बाकी फिर यार मैंने भी जाना है मतलब मुखानी को निकलना है, अभी वो बैग मतलब गाड़ी में रह गया था ना, वो नीचे चले गए रामला ग्राउंड में, अभी पापा गए हैं बैग लेने, उसमें मेरे कागज़ वगैरह हैं, तो उनको लेते फिर कागज़ लेते फिर बाकी मैं भी निकलता हूँ मुखानी के लिए। तो मैंने भी अपनी दवाई वगैरह ले ली ना वहाँ से, दवाई लेके आता हूँ सबसे पहले बेस हॉस्पिटल में। तो इतनी तगड़ी भीड़ लगी रहती ना, ऊपर से हमने दिखाना है हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाना है, तो उनकी तो कुछ ज़्यादा ही लाइन लगी रहती है यहाँ पर, पूरी मतलब पब्लिक देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है अंदर को। सो क्या जब भी फाइनली मैं मेडिसिन वगैरह लेकर के आ गया हूँ, एंड बाकी यार फिलहाल एक महीने की फिर से ले लिया मैंने, तो यहीं पे मतलब मुखानी में जैसे कि मैंने दिखा रखा था, आपने देखा यहाँ पे विवेकानंद हॉस्पिटल पे दिखाया था मैंने सामने पे, तो अभी मतलब यहाँ से मेडिसिन वगैरह ले ली, तो अभी फ़िलहाल एक महीने की फिर से ले ली है, तो अभी देखते हैं मतलब फिर आराम मिलता है नहीं मिलता है अभी, तो जब तक दवाइयाँ वो चली थी तब तक तो सही था, बट थोड़ा पेन वगैरह होने लग गया था ना उसके बाद, फिर अभी मैंने सोचा मेडिसिन वगैरह ले आता हूँ, बाकी मैं निकलता हूँ यहाँ से आप सीधे बेस के लिए, तो वहाँ पे मतलब पापा लोगों ने भी दिखा दिया होगा। से हम लोग गए तो फाइनली यार मतलब हम आ गए थे हल्द्वानी से घर को, तो बाकी मैं उसके बाद मतलब ब्लॉग वगैरह बना नहीं पाया, एंड बाकी मैं आ रहा हूँ घाटी के रास्ते से, देखिए अभी फ़िलहाल मैं घाटी के रास्ते से आ रहा हूँ, एंड बाकी अम्मा बूबू लोग और पापा लोग सब आ रहे हैं, वो गाड़ी में नानू दादी की गाड़ी में आ रहे हैं। तो सुबह आते वक्त यार मतलब उसमें थोड़ा दिक्कत जैसी हो गई थी, थोड़ा बूबू को भी दिक्कत हो रही थी, बाकी वोमिटिंग वगैरह भी हो रही थी, क्योंकि चार पांच लोग बैठे हुए थे ना, तो मतलब पैरों में उनकी दिक्कत हो रही थी। तो मैं आ गया था गाड़ी में घाटी से, और वो लोग आ रहे हैं उनके गाड़ी में, वो तो सीधे चौरिया में ही आएंगे भाई, तो बाकी चलते हैं अभी, शायद मेरे ख्याल से वो लोग भी आ गए होंगे चौरिया में अभी। बूबू को भी दिखा दिया था, तो उनके भी मतलब दवाई वाई वगैरह दे रखी है अभी फ़िलहाल उनको भी वहाँ से, एंड बाकी मैं भी मतलब विवेकानंद से अपनी
मेडिसिन वगैरह दवाई वगैरह लेकर के आई हूँ। चलते हैं अभी सीधे आप घर में, मिलते हैं आपको। तो गाइस मैं आ गया था घाटी से एंड यहाँ पे मेरे को देखिए भाई लोग भी मिल गए हैं। भाई लोग अभी क्या ला रहे हो? खाद। तो आप ये भाई लोग मिल गए मेरे को रास्ते में। गोलू भाई कैसे हो एंड टिल्लू भाई, लक्की भाई, तो ये सारे भाई लोग मिल गए मेरे को। गोलू और टिल्लू भाई ला रहे हैं खाद। लक्की तू क्या ला रहे है? आटा। लक्की ला रहा है आटा चक्की से। ये चक्की पिसाने के लिए दिया होगा ना, गेहूँ वगैरह, गेहूँ मटर वगैरह दिया होगा। तो बाकी अभी निकल रहे हैं घर को सब। चलो 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 गोपाल भाई चलो। अरे गोपाल भाई जवान लौटे हो यार तुम, मतलब ऐसी बात क्या।